हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल अमराव। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, यानी कि दशमलव संख्याओं का गुणा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। यानी कि दशमलव संख्याओं का गुणा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेंगे कोई नंबर हमारे पास है 42.65। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, 12 से। जब 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? मान लेंगे ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे 42.65, और जो 12 है इसको इस तरफ यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पर। पहले 2 का पूरी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 6 12 1 1 13 1 कैरी अगेन, 2 2 4 1 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 2 4 8। ये यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद एक अंक यहाँ पर छोड़ देंगे, एक अंक यहाँ छोड़ेंगे या इसको क्रॉस बना देंगे यहाँ से। हमें कोई भी नंबर यहाँ नहीं लिखना है। ये आप यहाँ मल्टीप्लाई मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर ये क्रॉस है, यहाँ ये प्लेस खाली रहेगा। अब एक का मल्टीप्लाई करना है इस पूरी संख्या में, तो एक का जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 5 5, 1 6 6, 1 2 2 एंड 1 4 4। अब इस नंबर को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे, इस नंबर को जोड़ लेंगे जीरो में, और ये कुछ नहीं तो ये जीरो। 3 और 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8। 5 और 6 जोड़ेंगे 11, यानी 1 कैरी। 8 और 2 10 एंड 1 कैरी 11, अगेन 1 कैरी, 4 और 1 5। तो इस तरीके से ये हमने ऐड कर लिया। अब हमें डेसिमल लगाना है, यानी कि डेसिमल कैसे लगाएंगे? सबसे पहले देखेंगे ऊपर वाली संख्या में कितने अंक बाद डेसिमल लगा है, तो राइट हैंड से काउंट करेंगे। तो 1 2 2 अंक बाद डेसिमल यहाँ लगा है दशमलव, और सेकंड वाली संख्या जो है उसमें कोई डेसिमल नहीं है। तो सबसे पहले नीचे वाले इसमें कहाँ लगाएंगे? 1 2 2 अंक बाद डेसिमल लगाएंगे तो नंबर क्या आ जाएगा डेसिमल? यहाँ पर। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू आएगी 42.65 × 12, तो ये वैल्यू आ जाएगी 511.80। तो इस तरीके से हम लोग गुणा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम लोग। मान लेंगे कोई नंबर हमारे पास है 2.62, और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, 0.5 से इसको मल्टीप्लाई करना। तो आप देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग इधर लिखेंगे संख्याएं 2.62, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, देखते हैं क्या आ जाएगा। 5 का इसमें 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 और 1 कैरी, 5 6 30 एंड 1 कैरी कितना हुआ? 31। अगेन यहाँ पर आ गई 3 कैरी, 5 2 10 एंड 3 कैरी, तो 10 और 3 13। अब हम लोग लगाएंगे डेसिमल। डेसिमल कैसे लगाएंगे? सबसे पहले गिनेंगे ऊपर वाली संख्या में कितने अंक बाद डेसिमल लगा है, 1 2, तो ऊपर से 2 अंक बाद डेसिमल लगा है, वो नीचे वाली संख्या में 1 अंक बाद। तो दोनों नंबर्स में कितने अंक बाद डेसिमल लगा उन सबको जोड़ लेंगे। यहाँ 2 अंक बाद, यहाँ 1 अंक बाद, 2 1 3, तो नीचे वाली संख्या में हमारा डेसिमल कहाँ लगेगा? 3 अंक बाद, 1 2 3। तो डेसिमल कहाँ आ गया? यहाँ पे। तो इस तरीके से इसका गुणा क्या आ जाएगा यहाँ से?
1.310 तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मान लेंगे कोई नंबर हमारे पास है 4.35.67 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2.73 से। तो इसको हम लोग करेंगे किस तरीके से करना मुझे, तो सबसे पहले हम लोग नंबर लिखेंगे, इधर नंबर लिख लेंगे 4.35.67 और इसको मल्टीप्लाई करना हमें 2.73 से। यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और एक लाइन खींचेंगे। सबसे पहले 3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, तो 2 कैरी आ जाएगी। 3 6 जा 18 एंड 2 20 यानी 0, 2 कैरी। 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी। 3 3 जा 9 एंड 1 कैरी, 10 अगेन 1 कैरी। 3 4 जा 12 एंड 1 13, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको यहाँ एक अंक हम लोग छोड़ देंगे, एक अंक छोड़ के फिर इसका सेकेंड नंबर वाला जो नंबर है उसका हम पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 7 का 7 में करेंगे, 7 7 जा 49, 4 कैरी 7 6 जा 42 एंड 4 ये आ गया 46, अगेन 4 कैरी। 7 5 जा 35 एंड 4 39 यानी कि 9 आ जाएगा, यहाँ कैरी हो जाएगी 3। 7 3 जा 21 और 3 21 और 3 क्या होगा 24, अगेन यहाँ पर आ जाएगी कैरी 2। 7 4 जा 28 एंड 2 30, तो इस तरीके से ये नंबर आएगा। अब हम लोग यहाँ पर दो अंक छोड़ेंगे, एक अंक यहाँ छोड़ेंगे, एक अंक यहाँ छोड़ेंगे। अब हमें तीसरे अंक का गुणा करना है इस पूरी संख्या में, यानी 2 7 जा 14, 1 कैरी। 2 6 जा 12 एंड 1 13, 1 कैरी। 2 5 जा 10 एंड 1 कैरी 11, उसके बाद अगेन 1 कैरी। 2 3 जा 6 और 1 7, उसके बाद 2 4 जा 8, तो इस तरीके से ये नंबर आ गया। अब हमें इन नंबर्स को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। इन नंबर्स को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 1 यहाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 7 6, 13 एंड 4 17, यानी कि 1 कैरी। 9 और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12 एंड 1 कैरी 13, 1 कैरी अगेन हो जाएगी। 4 और 3 7 और 1 8 1 9, उसके बाद 7 और 1 8 और 8 और 3 11। अब हम लोग देखेंगे कितने अंक बाद हमें डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पर 2 अंक वाला लगा 1 2, यहाँ भी 2 अंक वाला लगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 1 8 9.3791, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।